मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको टेंस पे कुछ इम्पोर्टेंस आर्टिकल बताने वाले हैं। इसी में इसको आप समझ सकें, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। इंग्लिश में टेंस जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप इंग्लिश में कोई भी पार्ट पढ़े उसमें टेंस जो होता है महत्वपूर्ण, चाहे वॉइस हो, नरेशन हो, या करेक्ट इनकरेक्ट पंक्चुएशन, जो भी है, सबके लिए टेंस एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसको समझने के बाद आप आगे के पार्ट को समझ सकते। सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंस है क्या। टेंस का आशय समय से होता है, यानी कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, का, यानी कि समय। सब लोग देखते हैं कि अगर कोई मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो सब लोग कहते हैं कि इसका काल आ गया। समझने में, महसूस करने में ऐसा लगता है कि काल कोई बहुत खतरनाक चीज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। काल का होता है समय, यानी कुछ व्यक्ति का टाइम आ चुका। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में तीन प्रकार के समय आते हैं। हमारी लाइफ में तीन तरीके के समय आते हैं। एक वह टाइम जो अभी है, यानी कि चल रहा है, जिसको हम प्रेजेंट, ये हमने बताया कि टेंस एक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के हमने बताया, हमारे लाइफ में तीन तरीके का समय आता है। एक वह समय जो है, यानी कि देखिए, आप क्लास में जिस दिन है अटेंडेंस में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट। प्रेजेंट का अर्थ होता है जो है, तो प्रेजेंट और टेंस पर हमें दो हाजिर। और इसका हिंदी क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान मतलब जो जारी हो, चल रहा हो, और टेंस का अर्थ साल होता है वर्तमान। दूसरा वह समय जो था, बीता हुआ, जो बीत जाता है, ठीक, बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं, पाप। वेंट वेन अवर लाइफ, बीता हुआ समय। पाप का अर्थ होता है गुजरना, यानी कि बीत जाना। तो क्या हुआ, पाप, टेंस, भूत। देखिए इसको आप जानिए, जिस दिन आप कक्षा में हैं, अटेंडेंस में बोलते हैं प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट मतलब वह टाइम जो है, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान, यानी कि जो चल रहा है। और पाप टेंस, यानी कि बीता हुआ समय। देखिए, जब कोई भूत, आप सुनते हैं भूतों की कहानी है, उसमें जानते हैं भूत कहते किसे, यानी कि मरा हुआ, बीता हुआ, जो गुजर गया, तो वही क्या बनता है, भूत। क्या हो गया, भूत। तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का क्या अर्थ होता है, भविष्य, यानी कि वह समय जो हमारी लाइफ में अभी आएगा। यानी कि टाइम तीन तरीके के, एक है, एक था, एक आएगा। तो यह क्या है, फ्यूचर टेंस। आप देखते हैं कि जो ज्योतिषी होते हैं वो क्या क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी का अर्थ होता है आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा, यानी कि वह समय जो आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। अपने आने वाले समय को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर। तो क्या कहेंगे, भविष्य का। क्या कहेंगे, भविष्य का। इसके लिए हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, वह समय जो है, वह समय जो था, वह समय जो आएगा, ठीक। और इसी के बेस पे अब चलते हैं हम। आप जानते हैं
टेंथ में आपको बताया भी गया है कि प्रत्येक टेंथ के चार चार भेद होते हैं, यानी कि प्रत्येक टेंथ जो होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चार चार प्रकार का होता है। इसको भी हम इजी ट्रिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, काइंड सा लिख लेते हैं साठ में काइंड सा टेंस। इस टेंस के अंतर्गत तीनों आ जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ठीक, कहेंगे क्या, काल के भेद, भेद यानी कि प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, मेनली टू टाइप। प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, इसको हम समय के अंतर जो कार्य होता है, काम चलता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। तो आप जानते हैं, को पता होना चाहिए कि जो भी हम कार्य करते हैं, कार्य कितने प्रकार का होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम अपनी लाइफ में जो भी काम, जो भी वर्क करते हैं, वह कितने प्रकार का होता है। आप जानते हैं कि कार्य इस तरीके का होता है, एक वह कार्य सामान्य कार्य, सामान्य कार्य खाना पीना उठना बैठना जागना सोना दौड़ना सामान्य हो गया। दूसरा अपूर्ण कार्य, यानी कि जो कार्य पूरा ना हो, और तीसरा पूर्ण कार्य, यानी कि जो हमने पूरा कर लिया, जिस कार्य को हमने पूरा कर लिया। और चौथा जो होता है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पूरे भी होते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में पूरे हो गए होते हैं, कुछ पूरा, यानी कि इसमें जो कार्य है कुछ हिस्सा इसका पूरा होता है, कुछ जारी होता है। इसको हम क्या करते हैं, पूरा पूर्ण, क्या कहेंगे, पूरा पूर्ण, ठीक, यानी कि पूर्ण भी और अपूर्ण। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बांट लेते हैं। ठीक, ये मुख्यतः चार प्रकार, यानी कार्यों के अनुसार अगर हम आपके लिए मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। अब इसी से हम चारों का क्लासिफिकेशन, यानी कि चारों के काइंड साफ जान सकते हैं। पहला, आप जानते हैं, हमने बताया सामान्य कार्य, सामान्य का जो इंग्लिश होता है वो होता है इंडिफिनिट। क्या होता है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। हम टेंस के बारे में जान रहे हैं, और हमने क्या बताया, इंडिफिनिट का हिंदी अर्थ क्या होता है, सामान्य, कार्य हमने बताया सामान्य कार्य, सामान्य। दूसरा, हमने क्या बताया, अपूर्ण, यानी जो पूरा ना हो, मतलब जो कार्य जारी, यानी कंटिन्यू, लगातार लगातार क्या जो जारी हो तो वही चलता है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अपटेंस है। इसको हमने क्या कहा, अपूर्ण, यानी कि कार्य क्या होता है, अधूरा होता है, पूरा नहीं होता, क्या होता है, अपूर्ण। तीसरे कार्य को हमने क्या बताया, वाह कार्य को हमने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, जो कार्य पूरा कर लेते उसको क्या करते हैं, जैसे कोई बच्चा या कोई भी पर्सन कार्य करता है, जब कार्य पूरा कर लेता है तो कहता है हमारा कार्य एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है, पूर्ण हो चुका, कंप्लीट है, तो उसको हमने क्या कहा, परफेक्ट, क्या कहा, परफेक्ट टेंस है, टेंस पूरा है, इसको हमने क्या लिया, पूर्ण है। चौथा,
चौथा हमने बताया कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसका कुछ हिस्सा पूरा हो गया, कुछ जारी होता है, चल रहा होता है। तो जो भाग पूरा होता है क्या लिखेंगे? परफेक्ट। और जो कार्य अधूरा होता है उसको क्या लिखेंगे? क्या हो गया? कंटीन्यूअस। हिंदी में क्या? टेंस है। टेंस हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पूर्ण भी अपूर्ण भी दोनों को अगर हमने संधि के द्वारा जोड़ दिया तो क्या हो गया? पूरा पूर्ण, यानी पूरो अपूर्ण। ठीक। अब देखिए, यदि हमें प्रेजेंट टेंस के भेद के बारे में जानना, वर्तमान काल के प्रकार के बारे में जानना है तो हम ठीक है इजी वे में जान सकते हैं। अलग अलग वर्बों को रटने की जरूरत नहीं है, अलग अलग वर्बों टेंस को आपको रटने की नीड नहीं। इतना आपने लर्न किया, अब इसी को इसके साथ जिस टेंस का भेद ऐड कर दीजिए, आसानी से याद हो गया। जैसे हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में स्टडी किया, क्या काइंड सा प्रेजेंट, काइंड सा प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के भेद, क्या वर्तमान काल के भेद। ठीक। अब वर्तमान काल के भेद को हमें जानना है तो क्या करेंगे? वर्तमान काल की अंग्रेजी वाला जो हिस्सा है इसके आगे जोड़ देंगे, हिंदी वाला हिस्सा इसके आगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा वर्तमान काल के भेद। जैसे हमें प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के भेद जानना है तो इसके आगे हम जोड़ देंगे प्रेजेंट और प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रेजेंट। हिंदी वाला जोड़ दीजिए वर्तमान। देखिए क्या होता है वर्तमान का? वर्तमान और टेंस के बारे में जान रहे हैं तो का वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। देखिए प्रेजेंट टेंस का भेद बन गया, बहुत अच्छी है। ये देखिए काइंड सा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? हमने कहा मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, इसके मुख्यतः चार भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कि पूर्वापूर्व वर्तमान काल। ठीक। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस के भेद। यदि अब हम इसी तरीके से पास्ट टेंस के भेद के बारे में, नंबर दो क्या है आपका? पास्ट टेंस। भूतकाल के भेद के बारे में जानना चाहें तो क्या करेंगे? या जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां पे हम पास्ट कर देंगे, उसी तरीके से हिंदी में जहां जहां पे वर्तमान है वहां पे हम क्या कर देंगे? भूत कर देंगे, पूरे हो जाएगा। तो क्या हो गया? जैसे अब हमें पढ़ना है काइंड सा क्या? पास्ट टेंस। क्या पढ़ना है? काइंड सा पास्ट टेंस। और हिंदी में क्या हो गया? पास्ट का हिंदी क्या होता है? भूत, यानी क्या हो गया? भूत। तो क्या हो गया? काइंड सा पास्ट यानी भूत काल के। अब यहां भी देखिए एक प्रकार चार प्रकार के होते हैं, तो हमने क्या किया? जहां जहां पर प्रेजेंट था वहां वहां पर हमने क्या कर दिया? देख लीजिए ध्यान से, जहां जहां पर प्रेजेंट था वहां वहां पर हमने क्या कर दिया? भूत का, भूत कर दिया। देखिए यहां क्या था? पूरा। ऐड कर दीजिए। देखिए तो क्या है पास्ट टेंस के पहला भेद क्या होगा? आगे आगे लिख दीजिए सबके सामने।
सामने हमने क्या लिख लिया, पास्ट लिख लिया हिंदी में। पास्ट का अर्थ होता है भूत, भूत का। इजली बन गए ना। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, पाप की डेफिनिटेंस यानी कि समान भूतकाल, पाप कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्व भूतकाल, पाप परफेक्ट टेंस यानी पूर्व भूतकाल, पाप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूरा पूर्व भूतकाल। ठीक, बहुत अच्छी से आसानी से लर्न हो गया। अब इसी तरीके से यदि फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के भेद के बारे में जाने तो बस कुछ नहीं करना है, केवल पाप जहां हमने प्रेजेंट के स्थान पर पाप किया पाप के स्थान पर फ्यूचर कर देंगे, और हिंदी में जहां भूतकाल था वहां पर हम भविष्य काल कर देंगे। ठीक, अब जैसे हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ फ्यूचर, काइंड्स ऑफ फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि भविष्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ भविष्य, क्या हो गया, भविष्य काल के। ठीक, ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ क्या कर देते, फ्यूचर काल के देते, फ्यूचर फ्यूचर कर देंगे। क्या हो गया, फ्यूचर। और इंग्लिश में भूत के स्थान पे क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा, तो क्या हो गया, भविष्य तैयार हो गया। देखिए बहुत ही में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि समान भविष्य काल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्व भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्व भविष्य काल, फ्यूचर परफेक्ट है यानी पूरा पूर्व भविष्य काल। तो ये आप इस टिप को अपना कर हम आसानी से टेंस के सभी भेद को जान सकते हैं। और ठीक है, हमें लर्न केवल क्या करना पड़ा, इसको अगर हमने लर्न कर लिया है तीनों टेंस के प्रकार को, तो हमें सिर्फ लर्न यही करना है, क्या, इंडेफिनिट की अंग्रेजी, कंटीन्यूअस की अंग्रेजी, परफेक्ट की, और बस। अगर हमने इन लॉन्ग स्पेलिंग में तीनों को लर्न कर लिया, ठीक, तो हमें बड़ो टेंस का आसानी से ज्ञान हो सकता है, और इसको हम आसानी से इजी वे से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, जो हमको कभी नहीं होगी। नहीं तो आप जब बरो टेंस लर्न करते तो उसमें कंफ्यूजन बढ़ती, जिससे आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस मेथड को अपनाकर हम इसको इजीली वे में लर्न कर सकते हैं। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो यानी कि टेंस के बारे में या ग्रामर के जिस पोर्शन पे आप कहेंगे हम बनाएंगे, लेकिन यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।